हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? देखिए, आज अपन बात करें इतिहास का। मैंने एक नया टॉपिक लिया है। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। मैं एमपीपीएससी से रिलेटेड हर एक एक से एक टॉपिक के शानदार वीडियो बनाऊंगा और आप मेरे चैनल से नोट्स बनाइए और लिखिए पढ़िए। देखिए दोस्तों, अपन इतिहास के बारे में बात करेंगे। अभी अपन इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसमें कुछ और टॉपिक अनेक बाकी हैं तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। पर अब इतिहास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैंने कुछ टॉपिक बनाए हैं कि इसके बाद अपन को क्या पढ़ना है क्या नहीं। देखिए, इतिहास में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं बच्चों के कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उसके लिए बात करेंगे आज अपन। देखिए, इतिहास प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये तीन काल थे। देखिए, प्रागैतिहासिक काल में अपन को क्या पढ़ना है? पुरापाषाण काल, ये 8000 ईस्वी पूर्व से। मध्यपाषाण काल 8000 ईस्वी से 4000 ईस्वी पूर्व। और नवपाषाण काल 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व। देखिए दोस्तों, प्रोग ऐतिहासिक काल की बात की, जो लाइन आपको अंडरमार्क दिख रही होगी, ये तीनों इसका है। देखिए, अब दूसरी बात करते हैं आद ऐतिहासिक काल, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व। और सेकंड अगर पॉइंट बनता अपना वैदिक सभ्यता 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है दोस्तों, ये दो पॉइंट अपने आद ऐतिहासिक काल में बनते हैं। बच्चों को बहुत डाउट है किसके बाद क्या पढ़ना है, इसीलिए मैंने एक शानदार वीडियो बनाया आपके लिए आद ऐतिहासिक काल। देखिए दोस्तों, आदिवासी काल की बात चर्चा करने से पहले अपन बात करते हैं वैदिक सभ्यता। इसमें भी आपको कुछ वैदिक सभ्यता में आपको क्या पढ़ना है? वैदिक सभ्यता में तो आपको पढ़ना है ऋग्वैदिक काल, यहाँ वेदों का 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। और सेकंड उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। ये अपना वैदिक सभ्यता का, वेदों का यहाँ से बढ़ाव जारी हो गया था उत्तर वैदिक काल। देखिए ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में आपको लाइन दिख रही है, आपको क्या पढ़ना है इसमें? देखिए दोस्तों, ऐतिहासिक काल जो है उसमें आपको पढ़ना है प्राचीन भारत 600 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी पूर्व। सेकंड पॉइंट बनता अपना मध्यकालीन भारत 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी पूर्व। और तीसरा पॉइंट अपना आधुनिक भारत 1707 ईस्वी पूर्व से 1964 ईस्वी पूर्व। ईस्वी आधुनिक विश्व पढ़ना है अपन को इसमें 14वीं शताब्दी से 1954। देखिए दोस्तों, अगर अपन इन पॉइंट की बात करते हैं, अगर रेड मार्क्स दिख रहे हैं आपको, इनके बाद एक एक चीज़ जो मैंने डिफाइन की है इसके ये पॉइंट ऐतिहासिक काल। देखिए, ऐतिहासिक काल में तीनों के अलग अलग पोर्शन है, मैं आपको तीनों का डिफाइन करके बताऊंगा। चारों का, प्राचीन भारत का मैंने यह डिफाइन किया है, मध्य भारत, आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व, चारों में बहुत सारे अनेक टॉपिक जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। देखिए, अगर अपन बात करते हैं तो दोस्तों, देखिए दोस्तों, प्राचीन भारत की अगर बात करें, प्राचीन भारत में आपको क्या क्या पढ़ना है? महाजनपद काल पढ़ना है 6वीं शताब्दी। ये महाजनपद काल, देखिए जो जनपद थे अपने सबसे बड़े, मगध, मौर्य, कौशाम्बी, वत्स, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है मगध साम्राज्य 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व। देखिए मगध, यहाँ से मगध का यहीं से और प्राचीन भारत में ही चलता है। देखिए उसके मौर्य साम्राज्य पढ़ना है 323 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व। संगम काल, पायन, चोल, इसी में पढ़ना है अपन को। मौर्यतर काल उसके बाद आता है, मौर्यकाल 184 ईस्वी पूर्व से 313 ईस्वी पूर्व। गुप्त साम्राज्य पढ़ना अपन को 319 से 550 ईस्वी पूर्व। हर्षवर्धन काल पढ़ना है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी पूर्व। देखिए दोस्तों, मैंने प्राचीन भारत की बात की, रेड मार्क से जो आपको लाइन दिख रही है ये अपने प्राचीन भारत की बात की दोस्तों, प्राचीन भारत के टॉपिक हैं। अभी अपन मध्यकालीन भारत के टॉपिक बात करेंगे, आधुनिक भारत के बारे में बात करेंगे, आधुनिक विश्व के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अनेक सारे पॉइंट होते हैं बच्चों का कि किसके बाद क्या पढ़ना है, गांधी जी कब आए थे, कब मुगल आए थे, तो इसलिए मैंने आपको एक शानदार वीडियो बनाया है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों अब बात करते हैं अपन जो अपना टॉपिक था मध्यकालीन भारत 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी। देखिए इसमें अपन को दो मैंने डिफाइन किए हैं, पूर्व मध्यकालीन 8वीं ईस्वी से 12वीं शताब्दी तक। ठीक है दोस्तों, और उत्तर मध्यकालीन 12वीं ईस्वी से 18वीं शताब्दी तक। देखिए इसमें जो टॉपिक पढ़ना है मैंने यहाँ डिफाइन किए, उत्तर भारत राजपूत, पाल, गुर्जर, दक्कन, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, दक्षिण भारत चेर, पांड्य, चोल, शाही, 1900। और मध्यकालीन में आपको जो पढ़ना है उत्तर भारत दिल्ली सल्तनत, देखिए अपना चौहान, अपना राजस्थान मुगल, दक्कन, विजयनगर, बहिमनी, दक्षिण भारत के जितने भी युद्ध हुए हैं, वारंगल, काकतीय जो युद्ध हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपने मध्यकालीन की बात की है मैंने आज। देखिए अपन मध्यकालीन के बाद अगर अपन अगला पॉइंट अगर देखते हैं तो आधुनिक भारत, देखिए रेड लाइन में जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं यही मेन, इसके बाद जो क्या पढ़ना है वह सब मैंने आपको डिफाइन किया है। आधुनिक भारत, देखिए यूरोपीय कंपनियों का आगमन आधुनिक भारत में हुआ था, पुर्तगाल आए, डच, अंग्रेज, फ्रांसी, बाकी ये सब आप पढ़ते ही होंगे, ये मैंने सन भी डिफाइन किए हैं दोस्तों, तो आप यहाँ से देख सकते हैं।
आधुनिक भारत की बात करते हैं, मुगल साम्राज्य का विघटन और क्या क्या राज्यों का उत्तरदायित्व तो उत्तराधिकारी हुए हैं, बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, ये सब इसमें पड़ेंगे आधुनिक भारत में। अपन अंग्रेजों द्वारा भारत विजय के लिए जो जो युद्ध लड़े गए हैं, संधियाँ की गई है, जितने भी समझौते हो ये सब इसी में, कर्नाटक युद्ध 1744, देखिए पीछे मैंने सब संधि लिखे हैं, बंगाल, प्लासी बक्सर, मैसूर, मराठा संघ की समाप्ति, पंजाब का अधिग्रहण। देखिए दोस्तों इसी काल में क्या होता है आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत में जो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, इसी में अंग्रेजों द्वारा भारत में सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक तरीकों से शोषण किया जाता है। इसमें कुछ पॉइंट अगर आप बनाना चाहें तो धार्मिक सुधार, राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना भी हुई, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हुई यहाँ 1885 ईस्वी में, और आधुनिक इसी में अपन बात करें तो स्वतंत्र संग्राम गतिशील भी रहे, गांधी जी का आंदोलन भी हुए, और इसी में नरम दल, गरम दल आंदोलन, क्रांतिकारी नेता भी हुए हैं, तत्कालिक समस्याएं, आर्थिक प्रगति हुई, विदेश नीति, गुदमी शिक्षण, ये सब इसी में अपना आधुनिक भारत में चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर इसके बाद अपना अगला टॉपिक अगर बात करें तो अपना आधुनिक विश्व बचाएं। ठीक है दोस्तों, ठीक दोस्तों, आधुनिक विश्व बचा अपना 14वीं ईस्वी से 16वीं सदी तक। देखिए इसमें अपन को पुनर्जागरण, आधुनिक विश्व इतिहास जो अपने वर्ल्ड हिस्ट्री बोलते हैं, धर्म सुधार आंदोलन इसी में हुए, ईसाई धर्म मध्यकालीन समाप्ति, और नवीन देशों की जो खोज हुई इसी में। देखिए 1750 से 1900 ईस्वी तक औद्योगिक क्या क्रांतियाँ क्या हुई, इंग्लैंड पुनर्जागरण, अनेक चीज़ें हुई, अमेरिकी क्रांति, इसमें अपने फ्रांसी क्रांति, रूस की क्रांति, राष्ट्रवाद, मानवाधिकार की घोषणा हुई, जर्मनी इटली एकीकरण हुआ 1870 में, राष्ट्रवाद का, अनेक पुस्तकें, अनेक सारे युद्ध हुए। ठीक है दोस्तों, और 19वीं ईस्वी से 1950 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918, पेरिस संधि, उसमें राष्ट्रवाद संघ की स्थापना हुई, रूसी क्रांति हुई, फिर दो विश्व युद्ध के मध्य यूरोप, वारंगल, गणतंत्र, नाजीवाद, फांसीवाद, इसमें स्पेन का गृह युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। देखिए दूसरी 1939 से 1945, देखिए इसमें इतिहास का भयानक युद्ध था, यानी नुकसानदायक युद्ध था, आर्थिक विकास प्रगतिशील सब कुछ रुक गया था, और इस शांति की स्थापना के लिए अनेक समझौते हुए इस टाइम, क्योंकि दोस्तों शांति के लिए अनेक समझौते किए, शांति प्रयास हुए। तो ठीक है दोस्तों, ये अपन जो मैंने वीडियो बनाया, एक बार आप अपने दोस्तों से लाइक करवाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शानदार वीडियो है। आपको हिस्ट्री में एक के बाद एक क्या टॉपिक पढ़ना है मैंने सब इसमें डिफाइन किया है, तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपन अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के बारे में चर्चा करेंगे, अपना नेक्स्ट वीडियो उसी के बारे में रहेगा, क्योंकि अपना वही टॉपिक चालू था। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।